लोकतंत्र के महापर्व में निष्पक्ष और अहम भूमिका निभाने वाले ईवीएम पर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। पिछले दिनों ईवीएम में गड़बड़ी का मामला क्या सामने आया, चुनाव आयोग से लेकर संसद तक भूचाल आ गया और इस मुद्दे पर आज राज्यसभा में भी खूब बवाल मचा। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। सबसे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़े किए, जिसके समर्थन में मायावती और रामगोपाल उतर आए। मायावती ने भिंड में ईवीएम के डेमो के दौरान हुई गड़बड़ी का हवाला दिया। वहीं गुलाम नबी आजाद ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। इस दौरान बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर और मुख्तार अब्बास नकवी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। बिहार में भी ईवीएम के जरिए ही वोटिंग हुई थी। 2004 और 2009 लोकसभा चुनावों में भी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी तब भी ईवीएम से ही वोटिंग हुई थी। तो ईवीएम में गड़बड़ी पर घमासान जारी है और इसकी गूंज आज राज्यसभा में सुनाई दी। कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक तमाम सियासी दलों ने ईवीएम पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि सरकार ने ईवीएम पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।